फिर एक बार किड्स कैंप आपके लिए लाया है अप टू 50% छूट की मेगा सेल। अप टू 50% छूट की ये मेगा सेल बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के लिए लगी है, जिसमें महिलाओं के लिए ड्रेस, बुर्का, वेस्टर्न के साथ हर तरह के कपड़े अवेलेबल है। साथ ही बच्चों के लिए शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, कुर्ता और बच्चियों के लिए वेस्टर्न, बॉल गाउन, टॉप, जीन्स अवेलेबल है। इन सभी वेराइटीज में अप टू 50% की मेगा सेल लगी है। फरवरी में शुरू होगी किड्स कैंप की ये अप टू 50% मेगा सेल, तो जल्दी करें और अपने बच्चों समेत पूरे परिवार को खुश करें। महिला को पड़ोसी व्यक्ति करता है परेशान, फोन कर करता है अश्लील बातें, मगर मुमरा पुलिस ने दर्ज की सिर्फ NC। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। किस्मत कॉलोनी परिसर में एक इमारत में रहने वाली एक महिला, उसका पति पिछले 2 महीनों से किसी कारणवश किसी केस के चलते थाने जेल में बंद है। 2 महीनों से वो अपने पति को छुड़ाने के लिए अपने संबंधितों परिचितों की मदद से भागदौड़ कर रही है। इसी दौरान उसी के फ्लोर पर रहने वाला नासिर हुसैन शेख नामक व्यक्ति, जिसकी अच्छी खासी उम्र है, वो इस महिला को परेशान कर रहा है। अनर्गल बातें करता है, फोन करके अश्लील बातें करता है, परेशान करने वाले मैसेजेस भेजता है। व्हाट्सएप पर ब्लॉक करने के बाद, हर तरीके से ब्लॉक करने के बाद, नासिर हुसैन शेख इस महिला को अलग अलग नंबरों से भी मैसेज और फोन करता है। आखिरकार तंग आकर के महिला ने 6 फरवरी को मुमरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने का मन बनाया, मगर जब वो मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंची तो सिर्फ IPC धारा 507 के तहत नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर्ड किया गया, यानी NC दर्ज की गई, जबकि इसमें 354 की उपधारा कोई भी जो है लगनी चाहिए थी। अश्लील बातें करना, फोन पर उसे हम बिस्तर या अपने साथ सोने के लिए कहना, ये गंभीर रूप की बात है, मगर कैसे पुलिस ने इसे हल्के तौर पर लिया, इसका खुलासा महिला नहीं कर पाई है, क्योंकि उसे इतनी जानकारी नहीं है। इस पूरे संबंध में हम महिला की पहचान छुपा करके उसकी अपनी आवाज में उसके आप बीती आपको सुना रहे, देखिए क्या कह रही है महिला। क्या परेशानी है आपकी, कौन सा पड़ोसी है आपका, क्या नाम है जो लगातार पिछले कई दिनों से आपको परेशान कर रहा है, किस तरीके से परेशान कर रहा है? मेरे सामने वाले मेरे फ्लोर पे सामने वाले रूम में रहते है। हाँ। और जब से मेरे हस्बैंड गए है ना, वो किसी वजह से अंदर है। अच्छा, जेल में है? हाँ। अच्छा, तो कितना अरसा हो गया है? 2 महीना हुआ है। 2 महीना हो गया तो हाँ। पहले तो हम लोग का धंधा जो लगता है परफ्यूम का, वहाँ पे अलग अलग बातें कर रहे हैं, सबसे मैं पैसा दूंगा ये वो जमीन का। अच्छा। और वहाँ से सब मेरी इंक्वायरी भी निकाल रहे हैं वहाँ पे जाके। हाँ। कि उसकी औरत किसके साथ में जाती है, कादर कौन है। हाँ। जो भी है वो कादर, जो भी हम लोग का एक रिश्ते में है, मेरे हस्बैंड के दोस्त का बेटा है वो कादर, उसके साथ में मैं आती जाती हूँ। तो बोले तू उसके साथ में बाइक पे बैठ के आई जेल के साथ, वो तेरा यार है, उसको तू घर में बुलाती है और घर में धंधा करती है, और 1 से नहीं 17 के साथ में है, और सब लड़कों का नंबर जितने भी हमारे एरिया में उनका सबका नंबर लेके चेक करना। कादर को भी फोन आया 2 से 3 दफा। अच्छा। हाँ। अच्छा, क्या नाम है इस बंदे का जो परेशान कर रहा है? नासिर हुसैन शेख। नासिर हुसैन शेख। अच्छा, ये आपके ही बिल्डिंग में रहता है? मेरी बिल्डिंग में। ये कितने दिन से परेशान कर रहा है आपको? ये 2 महीना। 2 महीना। तो किस क्या और, मतलब इस तरीके की बातें फैलाने के अलावा और क्या दूसरा कुछ उसने आपको कोई ऐसे डायरेक्ट कभी कॉल किया, बात की, कोई मैसेज किया? नहीं, बस यही मैसेज है कि वो है, वो तेरा है, वो तेरा यार। मैसेज करता है बाकायदा? मैसेज। हाँ, मैसेज। क्या SMS करता है या व्हाट्सएप करता है? व्हाट्सएप पे ब्लॉक मारी हूँ, इनबॉक्स पे आता है मुझे मैसेज। अच्छा, सब ब्लॉक मारी, नंबर भी ब्लॉक पे, अलग अलग में अलग अलग नंबर से भी आया है मुझे मैसेज। अच्छा, अलग अलग नंबर, अलग अलग नंबर से भी आया है फोन। तो क्या मैसेज में क्या लिखता है वो? ये क्या, 1 घंटा तू उससे ऑनलाइन थी, हमारे फ्लोर पे एक दूसरा भी लड़का है, उसका नाम बदनाम, जबकि उसकी अभी भी शादी हुई 4 महीना हुआ, उसका नाम तू बोले 1-1 घंटा उससे बात करती है। हाँ। और अपने बच्चे को बाहर नीचे भेज के घर में धंधा करती है बिल्डिंग में। अच्छा, ऐसा ऐसा फालतू बात सब। तो उसने खुद के बारे में तुम्हारे से कुछ रिश्ता बनाने के लिए, संबंध बनाने के लिए खुद के बारे में कुछ बोला उसने? जब सबके साथ में जब तू ये कर सकती है तो मेरे साथ भी ऐसा ऐसा जो भी है। ठीक है। हाँ। तो क्या पुलिस में इसकी शिकायत की तुमने? हाँ, मैंने की हूँ, कल जाके की हूँ। 6 तारीख को की है? कल। हाँ। 6 फरवरी को की। क्या किया पुलिस ने, शिकायत क्या ली? अच्छा, ये 507 के NC लेने के बाद में पुलिस ने आगे क्या किया? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो घर से 2 दिन पहले भागा है। मैंने जब ज्यादा हुआ, मैंने उनकी वाइफ को बोली। हाँ। कि ऐसे सा मैटर है, वो मेरे को मैसेज करते, तुम्हारे हस्बैंड उनको समझा दो कि। हाँ। मेरे को आज के बाद मैसेज और कॉल नहीं आना चाहिए। हाँ। उसके बावजूद घर से बाहर निकलने उसकी उनकी वाइफ ने घर से निकाल दी उनको। अच्छा। उसके बावजूद रात को 12 बजे मेरे को मैसेज आया, क्या सब आके वो किए और तू सो गई। हाँ, ऐसी लैंग्वेज में। तो ये
जो तुम्हारा पड़ोसी है ये नासिर हुसैन शेख, कब से इसको तुम लोग जानते हो? मैं 13 साल से इधर हूँ, 13 साल से मैं जानती हूँ। 13 साल से जानती हूँ। इससे पहले कभी ऐसा उसने किया नहीं था? 2 महीने से शोर तुम्हारे अंदर चले गए, उसके बाद ही उसने हरकत शुरू। मेरे हस्बैंड से बातचीत थी, उन्होंने कुछ लिए होंगे, कुछ लेन देन उनका चलता है, जो भी बातचीत है, हाँ वो अपने उन तक है। हाँ। लेकिन ये 2 महीने से ही उसने परेशान करना शुरू, ये ज्यादा हुआ जब से अल्लाह का मजबूरी का फायदा उठाने देख रहा है। मैंने जब से कल केस करके आई हूँ अब तक कुछ हुआ नहीं है, वो तो गायब है और अभी तक कुछ हुआ, पुलिस भी नहीं आई है उसके घर पे अभी तक। मुझे इंसाफ चाहिए, जो जो उसने बोला है वो सब मेरे को उसके लिए इंसाफ चाहिए। जो भी उसने मुझे बोला है मैसेज करके या फोन पे, गाली दिया है, खराब कैरेक्टर लेस बोला है, वो सब मुझे इंसाफ चाहिए।